विश्व टीबी दिवस के अवसर पर रविवार को जिला क्षय रोग केंद्र में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। क्षय रोग उपचार के जनक डॉक्टर रॉबर्ट कोच को याद करते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने उपस्थित सदस्यों को क्षय रोग प्रभावी नियंत्रण व उसके उन्मूलन के लिए शपथ दिलाकर अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण निष्ठा व समर्पण का आह्वान किया। इस दौरान डॉक्टर विराट स्वरूप, डॉक्टर सुनील सिंह, अरुण सिंह, सत्यप्रकाश भारती, उपेंद्र राय, जितेंद्र गिरी सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने कहा, बिना किसी भेदभाव से उनका इलाज पूरा करने में सहायता करूंगा एवं आमजन में टीबी के प्रति जागरूकता तथा भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाओं से अवगत कराऊंगा आज जो है हमारे साइंटिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर कोच के द्वारा आज ही 24 तारीख को माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया जिसके कारण से टीबी होता है उसका उन्होंने खोज किया था, जिसके कारण से टीबी का इलाज और खोज जो भी दवाएं चलनी चाहिए उसके परिप्रेक्ष्य में शुरू किया गया। आज उन्हीं के याद में हम वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। आज के दिन हमारे यहाँ सभी कर्मचारियों ने शपथ ग्रहण किया कि हमको जो है विश्व से, देश से, प्रदेश से और अपने ज़िला से टीबी को मुक्त करना है, क्योंकि यह एक किसी व्यक्ति का रोग न हो करके यह एक पूरे समाज का समस्या है। क्योंकि एक व्यक्ति को यदि टीबी हो जाता है तो वह दूसरे व्यक्ति को भी बहुत आसानी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को हो सकता है। क्योंकि यह एक जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो कि छींकने और खांसने से हो सकता है, और यदि समय से इसका जांच और इलाज हम नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे रूप समाज में पूरा ग्रहण कर जाता है। इसलिए हमको, हम सबको और लोगों को मिल करके टीबी के बारे में बताना, उसके बारे में जितना हो सके समझाना और सही समय पर उनका इलाज कराना मेन उद्देश्य रहा है और उद्देश्य है भी। इसके लिए हम जो है अपने ज़िले में प्रत्येक पीएससी, सीएससी, जहाँ टीयू, जहाँ की ट्यूबरक्लोसिस यूनिट बना है, वहाँ पर जो भी कर्मचारी होंगे, कल सोमवार का दिन है, वहाँ जो है टीबी को मुक्त कराने के लिए शपथ समारोह होगा। और इसके साथ ही साथ 28 मार्च को एक यहाँ से रैली निकाली जाएगी जिससे जन जागरूकता फैलाया जा सके, लोग टीबी के बारे में समझें यह क्या है, कैसे होता है, कैसे इसका इलाज संभव है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है इसकी तैयारी किए हुए हैं और जहाँ तक हो सकता है स्कूलों में भी प्रयास है कि 24 से लगाए 28 मार्च तक जहाँ तहाँ जो है इसका प्रचार प्रसार गोष्ठी की जाएगी जिससे कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो, समय से जांच कराएं और उसका इलाज हो सके जिससे कि ये समाज में टीबी फैलकर विकराल रूप न लेने पाए।